मजा लीजिए, कुछ चंद लाइनें पसंद आ जाए तो हमारे उत्साहवर्धन के लिए तालियां जरूर बजाइए। जी हाँ, तो हम बात कर रहे हैं अवर सिस्टम ऑफ एजुकेशन की, और यही समझाने के लिए हम आपको सुनाते हैं कहानी। कहानी? जी हाँ, कहानी। तो चलिए, लाइट कैमरा एक्शन। बधाई हो, बधाई, बेटा हुआ है। बधाई हो, बधाई। देखो तो, अरे वाह, इसकी नाक तो बिल्कुल पापा पर गई है। पापा पर गई है। अरे इसकी आंखें तो अपनी मम्मी जैसी है। मम्मी जैसी है। अरे चेहरे से तो ये हीरो लगता है, लगता है बड़ा होकर हीरो बनेगा। हीरो बनेगा। हीरो बनेगा? ये क्या कह रहे हो? इंजीनियर का बेटा है, इंजीनियर बनेगा। इंजीनियर बनेगा, तू हीरो बनेगा ना। पंडित जी भी आ गए। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार। आपने देखा था ना कल बच्चे का हाथ? हाँ हाँ देखा था। तो बताइए ना, हमारा लल्ला बड़ा होकर क्या बनेगा? अरे उसके हाथ की लकीरें तो बता रही थी, बड़ा होके खेल कूद में तरक्की करेगा। तरक्की करेगा खेल कूद में? हाँ? ये आप क्या कह रहे हैं पंडित जी? थोड़ा फिर से देखिए, उसे तो सक्सेसफुल इंजीनियर ही बनना पड़ेगा। इंजीनियर ही बनना पड़ेगा। आपने सुना नहीं है, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे महान, खेलोगे कूदोगे तो हो जाओगे खराब। पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे हो जाओगे खराब। अरे मैं तो कहता हूँ कि खेल नहीं दो, वैसे भी ये सोशल मीडिया के चक्कर में दिन भर फोनों ही पर चिपके रहते हैं। अरे ये सब छोड़ो, तुम ये बताओ आगे क्या हुआ? आगे आगे क्या,
मुन्ने का हो गया स्कूल में एडमिशन और पूरी कायनात लग गई पूरा करने में उसका इंजीनियरिंग मिशन इंजीनियरिंग मिशन इंजीनियरिंग मिशन इंजीनियरिंग मिशन। लेकिन उसके मन में कुछ और ही रहा था पनप। देखिए जरा क्या हुआ, उसके पिता को लगी जब इसकी भनक पापा पापा देखो ना, मैं म्यूजिक कॉम्पिटिशन में फर्स्ट आया हूँ। फर्स्ट आयो बेटा? हाँ। तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए, कोई इनसाइक्लोपीडिया, कोई बुक या कोई टूल बॉक्स? अरे नहीं पापा, अगर आपको देना ही है तो मेरे लिए ला दीजिए एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट घर घर ना रहेगा, म्यूजिक स्टूडियो बन जाएगा, कोई स्कूल की ट्रॉफी जीते, कोई AR रहमान का ऑस्कर। नहीं, अगर अगली बार दिमाग में ये ख्याल भी आए ना तो इतना मारूंगा कि शरीर का पुर्जा पुर्जा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। पढ़ाई करो। क्यों हो रही है मेरे साथ ये नाइंसाफी, क्यों नहीं मेरी सक्सेस के लिए ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ही काफी। बड़े आए थे म्यूजिक कॉम्पिटिशन में फर्स्ट, भूल गए थे शाम दान दंड वे कुछ भी करके म्यूजिक कॉम्पिटिशन में आना है इनको फर्स्ट। फिर आगे क्या हुआ बबुआ? आगे क्या, धीरे धीरे मुन्ना अपने आप में सिमट कर रह गया, न जाने कहां उसका आत्मविश्वास बह गया, छोटी सी उम्र में लग गई उस पर हजारों पाबंदियां, दूसरों के लक्ष्य को पूरा करने के लिए ले ली गई उससे रजामंदियां। ओहो, फिर तो ऐसे में उसके दिमाग में एक ही गाना चलता होगा, तो चलो साथ मिलकर गाते हैं। हमारा बच्चा स्कूल आ जाए तो सारी जिम्मेदारी आपकी बनती है ना। कमाल है आप पेरेंट्स हैं, जब आपको पता है आपका बेटा स्टडी में इतना पीछे है तो आपको चाहिए था ना उसका ट्यूशन क्लासेस भी लगा देते। हमको पता था मैम, इसे 3-3 घंटे कोचिंग क्लासेस भी जाता था। हमने तो ठीक ही पढ़ाया था, ये सारा कमाल है कोचिंग सेंटर वालों का जो स्कूल का करिकुलम छोड़ के इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन करा रहा है। जहाँ रिजल्ट वाले दिन सारे बच्चे पार्टी मना रहे थे, वही इनके जैसे बच्चे अपना दुखड़ा गा रहे थे। अभियान का परचम सिर्फ कागजों में ही नहीं, सिर्फ कागज
वजह में ही नहीं हकीकत में भी लहरा पाता, हकीकत में भी लहरा पाता, हकीकत में भी लहरा पाता, हकीकत में भी लहरा पाता। काश कि ऐसा होता कि हर बच्चा दे पाता अपने गुरुजनों को उचित सम्मान, न पढ़नी पड़ती वो खबरें जो आती है अखबारों में लेके गुरुजनों का अपमान, गुरुजनों का अपमान, गुरुजनों का अपमान, गुरुजनों का अपमान। काश कि ऐसा होता सारे टीचर बच्चों के लिए इंस्पिरेशन बन पाते और उनके रास्ते में आए पत्थरों को शिक्षा रूपी शस्त्र से हटा पाते, हटा पाते, हटा पाते, हटा पाते। काश कि ऐसा हो पाता कि हमारे देश में ही मिल पाते हमारे युवाओं को नौकरी के सुनहरे अवसर, वो विदेशों में ना जाकर कभी बनते अफसर, यहाँ की बेस्ट एजुकेशन लेकर वो विदेशों में जाकर कभी ना बनते अफसर, कभी ना बनते अफसर, कभी ना बनते अफसर, कभी ना बनते अफसर। इच्छाएं तो बहुत हैं, इच्छाएं तो बहुत हैं, चेंज भी बहुत लाना है, लेकिन आज के लिए इतना ही काफी है, कॉन्सेप्ट को आगे भी तो बढ़ाना है। हाँ हाँ, तो कौन सा, हम यहाँ एकता कपूर की सीरियल की जैसे हजार एपिसोड लेकर आए हैं। लोग तो यही कहते हैं कि हम इस देश का भविष्य है, तो चलो आपसी बातचीत करके इसकी दरख्वास्त लगाते हैं। दरख्वास्त ये है कि एजुकेशन सिस्टम बना तो कुछ ऐसा कि हिडन टैलेंट इतना निखारा जाए कि मन की तसल्ली डज नॉट ओवर रूल द पैसा। स्कूल कॉलेज जैसे इंस्टीट्यूशन से लेकर निकले हम ऐसा ज्ञान कि बाद में हम नॉलेजेबल मशीन न कहलाकर कहलाए सर्वगुण संपन्न इंसान, सर्वगुण संपन्न इंसान, सर्वगुण संपन्न इंसान, सर्वगुण संपन्न इंसान। और सर्वगुण संपन्न इंसान बनने के लिए हमें जरूरत है, जरूरत है, जरूरत है, जरूरत है। आप सब लोगों ने हमारा नाटक देखा तो आशा है कि आपको समझ आ गया होगा। हमारे नाटक का उद्देश्य है कि जो हमारी आज की पीढ़ी है, हमारा बच्चा, वो अपना, उसका जो भी उद्देश्य हो, जो भी उसका बनना हो, हम उसे बनने दें, उसको पढ़ने दें, उस पर किसी भी प्रकार का दबाव ना डालें और उसे कोई भी काम जबरदस्ती ना कराए, क्योंकि जबरदस्ती का काम बच्चा कर तो ले, लेकिन हम तो चाहते हैं ना कि हमारा बच्चा खुश रहे, वो जहाँ भी रहे ठीक रहे। तो बच्चा खुश तब रहेगा जब वो अपना, अपने मन से उसको जो बनना है वो बन पाए, वो काम कर पाए। तो धन्यवाद आप सब लोगों का, और हम तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं यहाँ की युवा शक्ति का, यहाँ की मातृ शक्ति का, और हमारे साथ आए समस्त छात्र शक्ति का, जिन्होंने हमें समर्थन देने के लिए अपना मातृ शक्ति यहाँ पर अपना घास वास का काम छोड़कर, अपना भात बनाने का काम छोड़कर हमें देखने के लिए इकट्ठा हुई है। आपका एक बार तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ, और ऊपर से भी हमें देखने के लिए चाची बॉडी लोग सबसे रुके हुए हैं, बैठे हुए हैं, कई चाचियां तो खड़ी रह के भी हमारा कार्यक्रम देख रही है। मैं तहे दिल से भी धन्यवाद करना चाहता हूँ इनका, जो आपने हमें इतना समर्थन दिया, और आगे भी हमारा यह प्रयास रहेगा कि हम आपको किसी भी तरीके से निराश न करें, जहां आपको हमारी जरूरत है और हमें आपकी जरूरत है, क्योंकि ये एक सामाजिक रिश्ता है। हम आज आए हैं और अपनी बात खत्म करके चले जाएंगे, ये हमारा कतई उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि यदि हम आए हैं तो आपको भी कुछ प्रेरणा मिले और आपसे हमें भी कुछ प्रेरणा मिले। हम धन्यवाद। कोई अगर यहाँ पे आके कुछ कहना चाहे तो कह सकता है हमारे नाटक के बारे में? बोला गड़ा में बोला। हमको कभी बहुत अच्छा लगी तुम्हारा और बारा है, तुम देख के हमको कहीं बहुत अच्छा लगी, तुम्हारी जो बोली भाषा जो बताया तुमने हमको, क्योंकि हमको बहुत अच्छा लगा। कभी कभी तुमको मौका मिलेगा तो आना यार, ठीक है? कभी कोई कार्यक्रम होता तो देवी देव तुम पूजा होती आना चाहिए, सारा लोग नहीं आएगा, एक दो आएगा हमको अच्छा लगेगा। इन बी एड के प्रशिक्षणार्थियों द्वारा यहाँ पर नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया गया जो कि हमारे एजुकेशन सिस्टम पर था, तो एक बहुत अच्छी झलक इनके द्वारा प्रस्तुत की गई कि आज की शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार की है, और इस प्रकार के नाटक गांव में प्रस्तुत किए जाने चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के नाटकों के द्वारा
एक प्रकार से गांव में शिक्षा व्यवस्था को उन्नत स्तर को उच्च स्तर पर पहुंचाने में सहायता मिलती है और इससे गांव वालों को जागरूकता भी मिलती है और इससे जो नुक्कड़ नाटक कर रहे हैं उन्हें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है और उनका भी विकास होता है। धन्यवाद।